E असलम एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल कश्मीर टीचिंग डायरी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एट्थ हिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेज पावर ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्राम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम थिंग्स को रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर में हमने सभी उन कंसेप्ट सभी उन पॉलिसी सभी

रीजनल किंगडम से उनको एक एक करके कॉलोनाइज किया जाता है उनको एक एक करके एनेक्स किया जाता है और ये सब किस तरह से हो जाता है ये हम इस वाले सेशन में समझने की कोशिश करते हैं तो आज इस सेशन का पहला वीडियो लेक्चर है आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के जो सब टॉपिक्स हैं पहले हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो पहला हमारा जो सब टॉपिक दिया हुआ है दैट इज इंडिया बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश दैट मींस कि जब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जब ब्रिटिशर्स का पावर इंडिया में रगुलेट नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी उससे पहले इंडिया का पोलिटिकल सिस्टम किस तरह का था उससे पहले इंडिया का जो रूल था वो किन के पास था एंड फाइनली हाउ डिड दे केम किस तरह से ब्रिटिशर्स यहां पर आ जाते कि हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनली एज ए ट्रेडिंग कंपनी यहां पर होती है और किस तरह से ये वहां पर ये यहां पर रूलर्स बनते हैं दैट मीनस कि ये किस तरह से इंडिया को गवर्न करते हैं इनके पास ये पावर इनके पास ये सुप्रमेसी इनके पास ये जो प्रिस्टेज था ये इनके पास कैसे आ जाता है डिफरेंट बैटल्स के बारे में हमने पढ़नी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में हमने पढ़ना है जो कि हुआ था सेवनटीन में जिस बैटल ऑफ प्लेसी में जो सिराज दवला था इनको डिफीट दी जाती है एंड फाइनली इस बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके जरिए पोपिट रूलर्स इंस्टॉल किए जाते हैं वन आफ्टर अनदर और उसके बाद जब कंपनी को लगता है कि अब हम पोपिट रूलर्स पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं एंड फाइनली दे डिसाइडेड दैट वी मस्ट डिसकेम नबूब और वी मस्ट बिकेम नवाब्स अवर सेल्व एंड फाइनली इसके बाद हमने समझना है बैटल ऑफ बॉक्सर भी हो आती है और ये जो बैटला बॉक्सर हैं इट वॉज ए लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज इट इज वाया बेटला बॉक्सर दे डिफीटेड शाह आलम एंड आफ्टर दैट वाया ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो शाह आलम है वो सीड करता है बंगाल बिहार एंड उड़ीसा के जो रेवन्यू राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं दस वी कैन से वाया ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो गवर्निंग राइट्स थे जो रेवन्यू कोलेक्टिंग के राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं ट्रिटी ऑफ हाबाद के जरिए यह हम समझने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज जिनके जरिए से कंपनी रूल इंडिया में एक्सपेंड किया जाता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कौन सी पॉलिसीज थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सॉब थी ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी 1798 में इंट्रोड्यूस की गई थी इसके जरिए भी डिफरेंट टेरिटरीज वो थी जिनको एनेक्स किया गया और जिनको फाइनली पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बनाया गया विद द कोर्स ऑफ टाइम क्लेम ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउची के बारे में हमने पढ़ना है ये एक वो सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके जरिए जो इंडिया में पर्नसली स्टेट थी उन पर कंप्लीट कंट्रोल रख सके ईस्ट इंडिया कंपनी यह पॉलिसी पास की गई थी एंड फाइनली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो 1848 में पास की गई थी लॉर्ड डलहौजी के जरिए इसके बारे में हमने समझना है जिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए भी बहुत सारी टेरिटरीज वो थी जिनको एनेक्स किया गया मोस्ट इंपोर्टेंटली सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज Annexed अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉर विद टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान और मराठास जो इंडिया में थी बहुत ही ज्यादा एबसलूट किंगडम इनके पास थी बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम इनके पास थी लेकिन इनकी किंगडम भी इनसे छीनी जाती है और इसके बारे में डिफरेंट के बारे में हमने समझना है एंड फाइनली अल्टीमेटली ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज अप इन इंडिया किस तरह से डिजाइन दिया जाता है इसको भी हमने इसी पूरी चैप्टर में समझना है एंड साथ ही साथ लास्ट पर कंक्लूजन हम पढ़ते हैं ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ना है कि जितने भी ये कदम उठाए जाते हैं उसके बाद किस तरह से इंडिया का पावर इंडिया में यह हम इस पूरी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से बैकग्राउंड मीन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ था तो तब इंडिया की सोसायटी तब इंडिया का सिस्टम क्या था हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है जो यहां पर मुगल रूल चल रहा था मीनस कि मुगल किंगडम जो था मुगल एम्पायर जो था वही इंडिया पर चल रहा था जब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर आई थी एज ए ट्रेडिंग बॉडी यहाँ पर आई थी तो कहा जाता है कि ये जो औरंगजेब थी औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ये जो मुगल किंगडम था ये जो मुगल एम्पायर था बहुत सारे रूलर्स आए बहुत सारे रूलर्स गए और लास्ट पर जो मोस्ट पावरफुल रूलर इस मुगल डायनास्टी का था या मुगल एंपायर का था ये थे औरंगजेब औरंगजेब जो थे ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मोगल रूलर लेकिन ये जो औरंगजेब थे इनकी डेथ हो जाती है मार्च 1707 में जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो मगल रूलर्स आ जाते हैं वो इनकम्पिटेंट थे वो वीक रूलर्स थे वो सही तरह से मुगल किंगडम को कंसोलिडेट नहीं कर पाए वो जो मगल किंगडम की स्ट्रेंग थी वो जो मुगल किंगडम की पी स्टेज थी उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि जो मुगल एम्पायर था ये अब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो रहा था हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं ये आप समझो कि ये जो पूरी टेरिटरी है ये मुगल किंगडम कहलाता है तो फाइनली मुगल एम्पायर का जो सबसे हायर पोजिशन हुआ करता था वो होती थी किंग की और ये जो किंग था ये सेंट्रल पावर कहलाता था एंड फाइनली एंड इस किंग के बिलो पर जो रीजनल एरियाज थे वहां पर रूलर्स रखे हुए थे उनको कहते थे गवर्नर्स या उनको कहते थे सोबीदार सो बाय द कोर्स ऑफ टाइम लेकिन जो सेंट्रलाइज टेडेंसी थी वो मुगल रूलर के पास किंग के पास हुआ करती थी और ये जो थे ये एज पर द डायरेक्शन ऑफ द किंग काम करते थे जो सूबीदार हुआ करते थे लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में और ये जो किंगडम्स थे ये जो छोटे छोटे रीजनल एरियाज थे जिन पर सूबीदार अपॉइंट किए गए थे दे डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा कि हमने मुगल एम्पायर से अलग हो जाना है तो जब हमने मुगल एम्पायर से अलग हो जाना है एंड दे एसोटेड देयर इंडिपेंडेंस एंड डिक्लेयर देयर ओन रीजनल किंगडम्स इन्होंने कहा कि हम अपने रीजनल किंगडम्स खुद के बनाएंगे हमारा मुगल एम्पायर से कोई भी रिश्ता अब नहीं है जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी ऑफ मुगल किंगडम थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी और वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट होता जा रहा था मीनस कि पावर कम होता जा रहा था पावर डिक्लाइन होता जा रहा था और इसका फायदा बाकी जो पावर्स थे जो इंतजार कर रहे थे किस तरह से इंडिया को कॉलोनाइज किया जाए वो उठा रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं हम यहां पर आफ्टर हिज डेथ जब औरंगजेब डेथ हो जाते हैं मार्च 1707 में मेनी मगल गवर्नर्स वी कैन से सोबीदार बिगैन असोटिंग दियर इंडिपेंडेंस तो अब ये जो मुगल एम्पायर है इसके बहुत सारे रीजनल एरियाज भी थे बहुत सारी प्रोविंसेस थी जिन पर गवर्नर्स को बिठाया गया था जब यहां पर पावरफुल रूलर रहा ही नहीं और ये जो रूलर्स थे दे टू देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड फाइनली ये सेपरेट होते जा रहे थे मुगल किंगडम से

दे इस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स और ये यहां पर रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश कर रहे थे मीन्स अपनी खुद की किंगडम बना रही थी पावर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग इसके जरिए से जो पावर था मुगल एम्पायर का वो डिक्लाइन होता जा रहा था इट क्रिएटेड वैक्यूम ऑफ द पावर पावर कम होता जा रहा था जिसका रिजल्ट यह निकला एज ए रिजल्ट न्यू पावर्स व इंडिया नए पावर्स इंडिया की तरफ आ रहे थे और इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही थी जिसका रिजल्ट यह निकल है कि उनमें से कामयाब कौन होते हैं इंडिया कंट्रोलर द ब्रिटिश तो इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है ये कहानी थी औरंगजेब तो था, था लेकिन औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है 17, में, उसके बाद जो मुगल रूलर्स आ जाते हैं इनकम्पिटेंट थे वो वीक रूलर्स थे वो सही तरह से मुगल किंगडम को कंसोलिडेट नहीं कर पाए जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो लोकल गवर्नर्स ये जो सूबीदार बनाए गए थे डिफरेंट रिजन के डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट स्टेट्स के दे डिसाइडेड सेपरेट द मुगल एम्पायर एंड डिसाइडेड टू डिक्लेयर देयर ओन कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड फाइनली डिक्लेयर देयर ओन रीजनल किंगडम्स इन्होंने अब अप अपने खुद के रीजनल किंगडम्स बनाए जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो सेंट्रल टेंडेंसी मुग़ल एम्पायर की थी वो ख़त्म होती जा रही थी उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म होती जा रही थी पावर डिक्लाइन होता जा रहा था और जो बाकी न्यू पावर्स थे वो अब इस पर नजर जमाई हुई थी जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में उस वक्त थी जो चाहते थे कि पावर एक्सपेंड होना चाहिए उनमें से ज्यादा फायदा ब्रिटिश को ही मिलता है क्योंकि लास्ट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वाइव कर पाती है इंडिया में और जिसके जरिए से इंडिया को कॉलोनाइज किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए तो ये कहानी थी किस तरह से इंडिया को यहां पर कॉलोनाइज किया जाता है क्या रीजन था कॉलोनाइज

पड़ता है या जो इंडोनेशिया है इंडिया है तो यहां पर फॉर द परपोज ऑफ ट्रेड करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट फॉर द परपोज ऑफ ट्रेड अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या इज द ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ये ईस्ट इंडिया है क्या इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी तो ये यहां पर ट्रेडिंग कंपनी थी ये कोई और कंपनी नहीं थी ये यहां की लोकल कंपनी नहीं थी इट वॉज अट कैम टू इंडिया ऑनली फॉर द परपोज ऑफ ट्रेड एंड टू गेन प्रॉफिट एज मच एज इट कैन क्या होता है इन सिक्सटीन हंड्रेड ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट एक्यूर्ड चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 एडी में इनको चार्टर ऑफ राइट्स दिया जाता है इनको परमिशन दिया जाता है इनको मंजूरी मिलती है कि आप जाइए ईस्ट रीजन में आप ट्रेड करिए दैट मीनस इंडिया आप जाइए आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं और इस चार्टर का मतलब ये था कि इंग्लैंड से बाकी और कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं जा सकती है ट्रेड करने के लिए इट वॉज द ऑनली एंड एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया और टू ट्रेड इन द ईस्टर्न रीजन एंड फाइनली क्या हो जाता है दिस ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट और टू ट्रेड विद इंडिया इसका मतलब है कि आनली राइट किसी दूसरी कंपनी को इंग्लैंड से अब नहीं बेचा जाएगा क्योंकि इसी कंपनी को परमिशन दिया गया जिस कंपनी का नाम है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी होप यहां तक आपको समझ आया होगा

सोल राइट right दिया गया मोनोपोली यहां पर दी गई इन्हें कि आप जाइए ट्रेड करिए और इसके जरिए क्या हुआ इनको साथ ही साथ मर्चेंटाइल ऑब्जेक्टिव दैट मीन दे कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट दे कैन और ये इनका सिस्टम था ट्रेड करने का ये राइट इनको मिला हुआ था सिटिल कंपिटिशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स वॉज दियर लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिश से कोई कंपनी नहीं आई इंग्लैंड से कोई कंपनी नहीं आई थी लेकिन बाकी

यहां पर इन्हें बाकी यूरोपियन कंपनी से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है फाइनली इसका रिजल्ट क्या था कंपटीशन तो ठीक था कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाती हैं कि मुनाफा क्या होता है कम होता जा रहा है बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर द कम्पिटिशन लेकिन यहां पर इनका जो नेचर ऑफ कंपटीशन था वो डिफरेंट था वो ये था कि सभी कंपनीज यूरोप से आई थी और सभी कंपनीज को एक जैसे गुड्स चाहिए थे दैट मीनस कि ये जो सभी कंपनीज थी ये एक जैसे गुड्स की ही ट्रेड ये एक जैसे गुड्स का ही ट्रेड करती थी इसलिए इनको जो गुड्स चाहिए थे वो एक जैसे ही

था जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस करना पड़ा अब इस रिजल्ट इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या था अब यहां पर इन कंपनीज के जरिए गुड्स की बहुत ज्यादा स्पाइसिस की बहुत ज्यादा डिमांड होती जा रही थी जब डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही थी तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट होता था इन केस एक कंपनी मेरे पास आती थी वो मुझे एक रेट देती थी मुझे अगर लगता दूसरी कंपनी इससे ज़्यादा मुझे ऑफर करती थी मैं उसे दे देता इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर लोकल बिजनेसमैन थे जो लोकल मर्चेंट्स थे यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो लोकल पीजेंट थे किसी हद तक उनको फिलहाल के लिए फ़ायदा यहाँ पर पहुँच रहा था तो जब प्राइसिस भी हाई होते जा रहे थे लेकिन इसका नुकसान किन था कि जो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी स्टार्ट टू डिक्लाइन लेकिन जो प्रॉफिट इन कंपनीज का था फिलहाल के लिए सभी यूरोपियन कंपनीज को हम ले रहे हैं इन कंपनीज का जो प्रॉफिट था वो कम होता जा रहा था क्योंकि कंपटीशन इनके दरमियान बहुत ज्यादा था लेकिन यहां पर जो हमारे बिजनेस पर्सन थे वो इन्हें जो गुड्स अब सेल कर रहे थे एक्सपेंसिव एंड हाई रेट पर दिए जाते थे जिसका मतलब यह था कि इनको प्रॉफिट जो था वो डिक्लाइन होता जा रहा था अब एक ही तरीका था प्रॉफिट को गेन करने का वो ये था कि राइवल कंपनीज को इलिमिनेट करना कि इनको यहां पर क्या करना था कि बाकी जो कंपनीज ट्रेड करने के लिए यहां पर आई थी एक दूसरे को एलिमिनेट करना और लास्ट पर जो कंपनी सरवाइव कर पाएगी वही कंपनी यहां पर सही तरह से डोमिनेट कर पाएगी और वही कंपनी यहां पर सही तरह से प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी यही एक तरीका अब था इलिमिनेटिंग राइवल कंपिटेटर वॉज ऑनली वे टू गेन मैक्म प्रॉफिट अब यहां पर प्रॉफिट अगर इनको गेन ज्यादा करना था तो इनको राइवल इलिमिनेट करना था एक दूसरी कंपनी को खत्म करना था दिस लेट बैटल जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि इन यूरोपियन कंपनी के दरमियान डिफरेंट कंफ्लिक्ट के जरिए बहुत ज्यादा बैटल फॉर्ट किए गए एंड फाइनली ये जो ट्रेडिंग कंपनीज थी दे स्टार्ट अटैक दियर ओ शिप्स तो ये एक दूसरे की शिप्स पर अटैक कर रहे थे जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उन पर अटैक कर रहे थे जो एक दूसरे के रूट्स हुआ करते थे इंडिया आने के या यहाँ से सामान ले जाने के वो ब्लॉक किए जाते थे एंड फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता था, था कि इनको एक आर्मी भी मेनटेन करनी पड़ी एक आर्मी रखनी पड़ी और जो आर्मी इनके ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्शन दे रही थी एंड जब उससे भी काम नहीं बन रहा था तो देटाट फोटिफिकेशन अब ये जो फोट

बिटवीन द लोकल किंग एंड बिटवीन द कंपनी अब कंपनी एंड लोकल रूलर्स के दरमियान कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और ये जो कहानी है दिस द प्रॉब्लम फर्दर एंड जिसके जरिए से अब लोकल रूलर्स एंड कंपनीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता जा रहा है तो इस तरह से यहां तक आज हमने सही तरह से समझा होप आपको यहां तक समझ आया होगा एक बार हम जल्दी से इसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें कि ये जो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेबलिश पावर इट मीनस किस तरह से ओरिजिनली फॉर द परपोज ऑफ़ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम किस तरह से यहाँ के रूलर्स ये बनते हैं किस तरह से यहाँ पर ये इंडियन सिस्टम को गवर्न करते हैं एंड ये जो पूरी कहानी है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी यहाँ पर जो रूलर्स थे मुगल रूल चल रहा था लेकिन जो लास्ट मुगल रूलर इंडिया का था या लास्ट पावरफुल मगल रूलर जो थे वो थे औरंगजेब इनकी डेथ हो जाती है में और उसके बाद जो मुगल रूलर्स आ जाते हैं जो मुगल किंग्स आ जाते हैं वो वीक थे वो इनकम्पिटेंट थे वो सही तरह से मुगल रूल को कंसोलिडेट नहीं कर पाए एंड फाइनली जो रीजनल सोबेदार थे जो रीजनल गवर्नर्स थे दे ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम दिस सेट अथॉरिटी एंड फाइनली स्टार्ट टू एसोट दियर रीजनल किंगडम्स एंड फाइनली जब वो रीजनल किंगडम्स बनाते हैं इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द मुगल अथॉरिटी थी ये कम होती जा रही थी ये कमजोर होती जा रही थी जिसका फायदा उठाने वाले बहुत सारे थे एंड फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में वो इंडिया के इन रीजनल किंगडम्स पर अपनी नजर जमाए हुए थे और रीजनल किंगडम्स को एक एक करके वो कॉलोनाइज कर रहे हैं अब हमने कहानी समझी थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली इट वॉज ए ट्रेडिंग कंपनी जो 1600 में फॉर द परपोज ऑफ ट्रेड करने के लिए इंडिया आई थी और इनको एक चार्टर मिला था फ्रॉम द क्वीन एलिजेब फर्स्ट से और ये जो चार्टर था इसके जरिए से जो कंपटीशन था इंटरनल कंपटीशन विद इन इंग्लैंड यह भी कंपनी इंडिया ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी लेकिन इसका मतलब ये भी था कि बाकी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया आ सकती थी उन वो इंडिया आई थी फॉर एग्जाम्पल जो पुर्तगाल थे वो यहाँ पर आई थी फॉर द परपोज ऑफ ट्रेड एंड फाइनली अब ये जो सभी यूरोपियन

आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है आर्मी के जरिए कोशिश करते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट किया जाए खुद के शिप्स को प्रोटेक्ट किया जाए खुद के रूट्स को मस महफूज बनाया जाए एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू फोर्टिफाई ये फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट करते लेकिन जहां पर ये फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो इनकी खुद की टेरिटरी नहीं थी ना ही इनको कोई राइट right मिला हुआ था नाउ जिस एरिया पर ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ये टेरिटरी किसी लोकल रूलर की थी और जहां पर अब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा था लोकल रूलर एलो नहीं कर रहा था इनको फोर्टिफिकेशन के लिए एंड फाइनली द थिंग इज नाउ कम्प्लिकेटेड एंड फाइनली द कन्फ्लिक्ट स्टार्ट बिटवीन द लोकल रूलर एंड बिटवीन द कंपनीज सो ये जो कन्फिल क्ट था ये इस तरह से बढ़ता जा रहा था होप यहां तक आपको समझ आया होगा सही तरह से हमने कोशिश की कि जितने भी कंसेप्ट अभी तक इस लेक्चर में यहां तक आए सभी उन कंसेप्ट को हमने समझाने की कोशिश की होप आपको सही तरह से समझ आया होगा in case you are watching this video first time do subscribe the channel do hit the bell icon so that whenever we update a new video you may get our latest notification so this is all in this today's video lecture hope you enjoyed it we will be back in the next video lecture till then stay blessed allah hafiz afi amanillah <laughs>